अस्सलाम वालेकुम। आज वफाकी हुकूमत ने तीन चार बड़े अहम फैसले किए, जिसमें काफ़ी दिनों से जो इंतज़ार था कि आर्मी चीफ के ऊपर नून लीग जो है वो काफ़ी ज़्यादा टाइम ले रही है, और 28 आखिरी तारीख है और एक बाकायदा तकरीब का इनेकाद हो चुका है 29 नवंबर को, और अभी तक नाम सामने नहीं आया। तो आज नए आर्मी चीफ का नाम सामने आ गया, जनरल राहीर शरीफ, जो जनरल शबीर शरीफ के भाई हैं, और उनको आज नया आर्मी चीफ लगा दिया गया, दो सीनियर तीन जनरल को सुपरसीड करके। जनरल हारून असलम को कंसिडर नहीं किया गया। इसके अलावा जनरल राशिद महमूद जो हैं वो जो सेकंड सीनियर मोस्ट पोजीशन के ऊपर थे, उनको चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी लगा दिया गया। जनरल राहील शरीफ के हवाले से अगर ये बताया जाए कि जो आर्मी का नई स्ट्रेटजी है काउंटर टेररिज्म के हवाले से, या लो इंटेंसिटी जो वारफेयर है उसके हवाले से जो आर्मी ने नई ट्रेनिंग की है अपनी फोर्सेज की, उसमें जो कहा जाता है क्लीदी किरदार है वो जनरल राहील शरीफ का है। बहरहाल ये शरीफ साहब का नाम क्योंकि साथ लगा हुआ है, तो आज सारा दिन एक जो जोक था वो सोशल मीडिया पे वो ये भी था कि पाकिस्तान में सीनियर मोस्ट पोजीशन के लिए क्वालिफाई करने के लिए शरीफ नाम साथ होना चाहिए। लेकिन शाम में ही एक और बड़ी की मेजर अपॉइंटमेंट थी, वो थी पाकिस्तान के आइंदा चीफ जस्टिस के हवाले से। वहाँ पर तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब, जो किसी हवाले से रिश्तेदार भी हैं यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के, जो पाकिस्तान के इस वक्त अमरीका में सफ़ीर हैं उनके भी, उनको आइंदा 12 तारीख को, दिसंबर 12 को वो अपने अहदे का चार्ज संभालेंगे। नया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है उसका नोटिफिकेशन किया गया है। तो जो एक एक्सप्रेस अखबार ने रिपोर्ट किया तसद्दुक हुसैन जिलानी के हवाले से, तो उन्होंने भी लिखा कि वो एक जेंटलमैन जज के तौर पर जाने जाते हैं। तो उनके नाम के साथ तो शरीफ नहीं है, लेकिन वैसे वो शरीफ जज के तौर पर जाने जाते हैं, ये आज उन्होंने अखबार में बाकायदा रिपोर्ट किया हुआ है। इसके अलावा एक PTI की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, और शायद आज अगर ये दो बड़ी तैनातियाँ ना होती तो बड़ी खबर आज की वही होती। उन्होंने जॉन ब्रैनन जो CIA के चीफ हैं, और इसके अलावा उन्होंने नाम लिया क्रेग होस्टन का, जो शीरी मजारी का कहना यह है कि पाकिस्तान और इस्लामाबाद के अंदर CIA के स्टेशन चीफ हैं, दोनों को नामजद किया गया है हंगू हमले के अंदर। तो ये तीन चार खबरें हैं जिनको आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट हमारे साथ होंगे हमारे दोस्त अंसार अब्बासी साहब और फवाद चौधरी साहब, दोनों को खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में। इसके अलावा हमें ज्वाइन करेंगे शाह फरमान साहब पेशावर से, और मौलाना ताहिर अशरफी साहब लाहौर से। सबको प्रोग्राम में वेलकम करता हूं जी। अंसार आप ही पहले फरमा दीजिए, आर्मी चीफ से स्टार्ट करते हैं, एक्सपेक्टेड था राहील शरीफ साहब का? देखें मेरे लिए थोड़ा सा सरप्राइज था इसमें, बिकॉज आपको पता है कि मियां साहब तो रिपीटेडली ये वादा करते रहे कि हम तो सीनियर मोस्ट को अपॉइंट करेंगे, और सीनियरिटी को उन्होंने कहा कि हम वेटेज देंगे, और हमने लेसन लर्न किया जो माजी में हमने किया कि जी मुशर्रफ साहब को जब दूसरे या तीसरे नंबर से उठा के हमने आर्मी चीफ लगाया था, तो मेरे लिए सरप्राइज था। और मैं ये समझता हूँ कि मियाँ साहब को सीनियरिटी की बेस के ऊपर ही लगाना चाहिए था, बिकॉज अगर आपने लेफ्टिनेंट जनरल प्रमोट किए हैं तो जाहिर है सब लोग कॉम्पिटेंट होते हैं, मेरिट का तो एस सच कोई उसमें प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन का प्रेरोगेटिव है, सच कोई वॉयलेशन नहीं की। देखें उन्होंने आइन की वॉयलेशन नहीं की, उन्होंने रूल्स की वॉयलेशन की, लेकिन उन्होंने अपने प्लेज की जो अपना वादा उन्होंने किया था उसको उन्होंने वॉयलेट किया, नंबर एक। बात जो वादा तोड़ा है उन्होंने, बिकॉज उन्होंने ये वादा किया था कि मैं सीनियर मोस्ट को करूंगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि देखें हमें डिस्क्रिप्शन से दूर जाना चाहिए जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं, और ये स्टार्ट प्राइम मिनिस्टर से होना चाहिए। ये जो है ना कि आपकी डिस्क्रिप्शन है आप ये करेंगे, और ख़ास तौर पर अपॉइंटमेंट से रिलेटेड कहीं भी हो, ये डिस्क्रिप्शन पाकिस्तान से ख़त्म होनी चाहिए, बिकॉज वहाँ पे फिर मिसयूज़ होती है, वहाँ पे फिर पसंद नापसंद की बात आ जाती है, पिक एंड चूज होता है। अभी आपने जो दूसरा किया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, बाद में आता हूँ, वहाँ तो एक रूलिंग है ना, मैं यही कह रहा हूँ, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि इसमें हमें जाना चाहिए, इसको हमें एक एस्टेब्लिश नॉर्म की तरफ जाना चाहिए कि जो सीनियर मोस्ट हो उसको आप लगा दें, ताकि प्रोफेशनल। फवाद साहब से भी पूछते हैं, फवाद साहब नवाज शरीफ साहब ने एज प्राइम मिनिस्टर जनरल काकड़ की तैनाती की, वो उन्हें ज़्यादा रास नहीं आई, उसके बाद उनकी हुकूमत डिसमिस हो गई। जनरल जहांगीर कामत से उनका झगड़ा हो गया और उनको इस्तीफ़ा देकर जाना पड़ गया। जनरल मुशर्रफ जो उनके ख्याल में सबसे ज़्यादा उनके साथ कमज़ोर जर्नैल थे, कोई लॉबी वॉबी काम थी, टेक ओवर नहीं थे कर सकते, उन्होंने वैसे ही उनको अटक किले में बंद कर दिया। अब ये चौथी तैनाती है एज प्राइम मिनिस्टर जो उन्होंने की है, आप क्या देखते हैं? नवाज शरीफ साहब का जो सबसे बड़ा अभी तक जो उनका हिस्टोरिकल प्रॉब्लम रहा है ना, वो रहा है कि टू मच एक्यूमुलेशन ऑफ पावर इन हिमसेल्फ। वो हमेशा उनका ये ख्याल होता है, आर्मी का आर्मी चीफ जो होता है वो कोई एक फ़र्द नहीं है, वो एक इंस्टीट्यूशन का, और आर्मी के इंस्टीट्यूशन का एक अपना मैकेनिज्म है। कोई भी वहाँ पर जो चीफ आ जाता है तो वो आपका दोस्त या आपका जाती आदमी नहीं रहता, किसी को भी आप लगा देंगे, वो एक पाकिस्तान की फ़ौज का, दुनिया की छठी बड़ी फ़ौज का सरबराह है, उसकी उस हवाले से एक मैकेनिज्म है, एक इनर्शिया है उस इंस्टीट्यूशन का जो वो लेकर के चलता है। और ये जो नवाज शरीफ साहब की भूल रही है पहले भी, अभी उन्होंने जो किया है, मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर का प्रेरोगेटिव है, जनरल कियानी साहब की बड़ी मेहरबानी है, उन्होंने आपने पुरानी भूल का जिक्र किया,
पहले उन्होंने लॉयलिस्ट ढूंढा था, जैसे भुट्टो साहब ने जनरल ज़िया में एक लॉयलिस्ट ढूंढने की कोशिश की थी, इस दफा उन्होंने लॉयलिस्ट ढूंढा या एक प्रोफेशनल आदमी को नहीं, चुन लिया लॉयलिस्ट उसमें तो से? अभी था ही नहीं ना कोई उनका, पिछले लट से वो पहली बार 10 साल तो वो बाहर थे इकतदार में, तो उस तरह से तो उनका था नहीं कोई, ये तो उन्हें मजबूरी थी कि उन्होंने सीनियर मोस्ट लेना था। लोग तो घबरा रहे थे कि कहीं कैप्टन सफदर साहब को रिस्टोर ना कर दें, वो तो उन्होंने मेहरबानी की है कि वो जनरल, तीन सीनियर मोस्ट लोगों में से जो है वो उन्होंने बनाया है। लेट्स विश हिम गुड, पाकिस्तान के लिए अपने जंक्चर है। मेरा ख्याल है नवाज शरीफ साहब को अभी इस क्रिटिसिज्म को हम एक तरफ कर देते हैं, नहीं करते उनके ऊपर, सीनियर मोस्ट नहीं बनाया, ओके कोई नहीं, नए जनरल साहब आए हैं, आए हैं, आप काम शुरू करें। अच्छा, ये ताहिर अशरफी साहब ने वेलकम किया है नई तैनाती को। ताहिर अशरफी साहब से भी पूछ लें, सिविल मिलिट्री रिलेशन जनरल कियानी के ऊपर बहुत से अच्छी बातें भी, बहुत सी बुरी बातें भी। क्रेडिट उनका ये था, उन्होंने डेमोक्रेसी को चलने दिया। फिर ये भी आया कि उन्होंने पाकिस्तान के अंदर बहुत से अच्छे इकदाम में राह हमवार की स्पेस दी, जिसमें फ़ौज पीछे रही और सिविल हुकूमत को मौका मिल गया। उन पर क्रिटिसिज्म भी आया कि शायद उन्होंने जो मिलिट्री बेसिस हमारी हिट हो गई, उनको एज आर्मी चीफ वो बहुत कुछ शायद ज़्यादा कर सकते थे। GHQ अटैक हो गया, कामरा बेस अटैक हुई, हमारी मेहरान बेस अटैक हो गई, लेकिन सिविल मिलिट्री रिलेशन में एक नई गुंजाइश उन्होंने पैदा की। जिस वक्त जनरल कियानी आर्मी चीफ बने थे, तो एक नोटिफिकेशन हुआ था कि वो जो यूनिफॉर्म शख्स हैं पब्लिक प्लेसेस पे ना जाएं। ये हमारी कुछ पॉलिसीज थी 9/11 के बाद, इतनी उसके नतीजे में एक रिजेंटमेंट थी कि वही आर्मी जिसको लोग इंतहाई पसंदीदगी की नज़र से देखते थे, वो हिट हो रही थी, तो उसको बचाने के लिए उन्हें बहुत कुछ करना पड़ा। तो ताहिर अशरफी साहब, गोइंग फॉरवर्ड आप क्या देखते हैं, सिविल मिलिट्री रिलेशंस कैसे चलेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मलिक साहब, मैं समझता हूँ कि जो फैसला होना था वो हो गया। अब हमें मियाँ साहब को भी चाहिए कि आपने तो वेलकम किया है ना वो उसे। ये बात, जी हाँ, मैं अर्ज कर रहा हूँ कि फैसला एक कर दिया, ये उनका इख्तियार था। मैं अंसार अब्बासी साहब की बात से मुत्तफिक हूँ कि अगर वो अपने कहे हुए पर ही अमल करते तो बहुत ही अच्छा होता। लेकिन चलिए अब हम इस बहस में ना जाएं। मेरा ख्याल है पाकिस्तान की आर्मी जो है उसको इस वक्त ज़रूरत इस बात की है, और पूरी कौम को भी ज़रूरत है कि हम एक वहदत की तरफ जाएं और हम कोशिश करें कि पाकिस्तान जिस मसाइल में घिरा हुआ है उन मसाइल से निकलने की कोशिश करें। एक तरफ आप देख रहे हैं नेटो सप्लाई दोबारा बंद करने के मामला चल रहे हैं, दूसरी तरफ ड्रोन हर दूसरे दिन आके सलाम पेश करता आर्मी है। चीफ की तब्दीली से आप और समझते हैं कि कोई पॉलिसी में तब्दीली आएगी? मैं समझता हूं कि मुमकिन है कि अब थोड़ा सा और कुर्बत बढ़ जाए GHQ की और जो हमारी सिविल हुकूमत है इसकी, मजीद कुर्बतें बढ़ेगी मुझे रहील शरीफ साहब के आने से ये लगता है, और मुमकिन है कि ये भी अच्छा, मैं इस देखा पे जाए शाह कि फरमान पुरानी साहब से भी पॉलिसी। रद्दमल ले लूं। शाह फरमान साहब, आप भी इस पे फरमाइए कि आपकी क्या तोकुआत हैं, क्योंकि इस वक्त नेटो सप्लाईज आप रोक के बैठे हुए, ड्रोन हमलों के ऊपर आज एक और बड़ी की डेवलपमेंट है कि यूएन के अंदर जो पाकिस्तान के अक्वामे मुत्तहदा में इस पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब हैं मसूद अहमद खान, उन्होंने बड़ी स्ट्रांग पोजीशन ली है। उन्होंने कहा पाकिस्तान की दाखिली खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी है, काउंटर प्रोडक्टिव है, और यूएन की वो जो स्पेशल कमेटी है उसने यूनानिमसली रेजोल्यूशन पास किया है कि इसके ऊपर एक इंटरनेशनल लॉ होना चाहिए। ये किसी एक मुल्क को आप इख्तियार नहीं दे सकते कि जहाँ दिलाए ड्रोन मार दे। तो काफ़ी स्ट्रांग पोजिशन है जो यूएन में पाकिस्तान ने ली है, आपकी पोजिशन PGI की को वो स्ट्रेंथन करती है। नए चीफ की तैनाती समझते हैं उससे पाकिस्तान ज़्यादा तगड़ी पोजिशन लेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए नदीम साहब, मैं समझता हूँ कि अगर ये वज़ीर आज़म का इख्तियार है और उन्होंने आई होप कोई ज़ाती मफाद के लिए, कोई मलिफाइड इंटेंशंस के ऊपर ये फ़ैसला नहीं लिया होगा। अब जो कि अपॉइंटमेंट हो गई है तो वी नीड टू सपोर्ट इट, इसके इसलिए कि यूनिटी की ज़रूरत है। अगर हम बेजा क्रिटिसिज्म में जाएंगे, अगर हम क्रिटिसाइज करते जाएंगे तो देखिए ये सिक्स्थ बिगेस्ट आर्मी है और आर्मी चीफ के ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, और जिस खित्ते में हम ये वाकिया स्पिरिट हैं आपकी अच्छी है जिसमें शाह फरमान साहब, ये स्पिरिट आपकी ठीक है, लेकिन अब आपसे वो सवाल का जवाब ही मिल जाए कि क्या जनरल कियानी या जनरल राहील क्या आर्मी की पॉलिसीज़ में रद्दबदल आएगा या वो कंटिन्यूशन होगी? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतना बड़ा चेंज आएगा, क्योंकि जिन हालात से हम गुजर रहे हैं इन हालात के अंदर जो कुछ आर्मी की पॉलिसी है टू स्टे अवे, ये सिविलियन पावर और सिविलियन ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं करते, मेरे ख्याल में अब भी नहीं करेंगे, और सिविलियन गवर्नमेंट को सपोर्ट करेंगे। बट इन रिटर्न
देखो दो चीजें हैं नदीम भाई, हम हमेशा आपको फैसला इख्तलाफ है पर्सनैलिटी मेरे ख्याल में तो हर पर्सनल जब आता है तो अपनी पॉलिसी साथ लेके आता है, मेरे ख्याल में तो तब्दीली आएगी क्योंकि अभी तक तो पॉलिसी काम ही नहीं कर रही, अभी तक तो जो पॉलिसी है वो काम ही नहीं कर रही, तो इस वक्त तो कोई पॉलिसी है ही नहीं, स्टेटस को है नदीम 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 प्रॉब्लम शेयर इज कंटिन्यूएशन नदीम जनरल क्या नहीं देखो नदीम का तो वो मामला और थे इस तरह के तो नहीं थे। अच्छा मैं आपको एक स्टेटमेंट भी सुनाता हूँ फिर उसके हवाले से गुफ्तगू और आगे बढ़ाते हैं। आज जो शीरी मजारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें CIA चीफ का जो नाम लिया वो सुनवा दूं मैं आपको, फिर मैं आपसे भी रद्दे मल लूंगा और अंसार से और फवाद साहब से भी पूछेंगे, स्टेटमेंट सुनाइएगा जी। आई एम रिक्वेस्टिंग देम एड इन द FIR द नेम नॉट ओनली ऑफ द CIA बट द स्टेशन चीफ इन इस्लामाबाद। The station chief's name, यानी कि इस्लामाबाद के स्टेशन चीफ का नाम क्रेग ओस्ट है, CRAIG OSTH, और हम ये कह रहे हैं कि ना सिर्फ इसका नाम लिखा जाए बट CIA डायरेक्टर जॉन ब्रेनन का नाम भी लिखा जाए फॉर ग्रोस ऑफेंसेज ऑफ कमिटिंग मर्डर एंड वेजिंग वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान। जी अंसार पहले आपसे जी, CIA चीफ के नाम आना क्या लगता है? देखें पहले तो मैं थोड़ा सा शाह फरमान साहब जो फरमा रहे थे ना कि कंट्रोवर्सी की बात नहीं है, हमें इन चीज़ों को डिस्कस ये करना चाहिए ताकि अगर कोई लैप्सेस हैं, कुछ ग्रे एरियाज हैं, कुछ लूप होल्स हैं वो फिल और बेहतरी आ गया है। इसका ये मतलब नहीं है, कोई भी नहीं चाहता कि जी खुदा ना खास्ता कि जिसको आर्मी चीफ बनाया है उसको हटा के कोई दूसरा आ जाए, ये कोई भी नहीं चाहता और ये इस मुल्क के इंटरेस्ट में भी नहीं है, बेशक गलत आर्मी चीफ ही अपॉइंट कर दिया जाए। तो जहाँ तक देखें PTI की इस इनिशिएटिव की बात है तो मेरा ख्याल है बेहतर है कि जी बेनाम FIR के बजाय, और चूंकि CIA सारा कुछ कर रही है तो CIA के अगर स्टेशन हेड और CIA के डायरेक्टर की अगर उन्होंने नॉमिनेट किया है तो बहुत अच्छी बात। CIA के स्टेशन हेड का नाम कैसे पता चलता है? ये तो इनको पता चल गया होगा कैसे? आई एम नॉट श्योर शेरी मजारी साहब को पता चल गया होगा और असल में बात यह है कि इस वक्त तो इसके ऊपर राह के ऊपर नहीं, 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 नहीं हो सकता है, देखें हो सकता है उनकी हुकूमत सूबे में बताया, मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, पता होना चाहिए। असल में बात यह है नदीम साहब कि इस वक्त पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा ड्रोन जो है ना वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ है, जिन्होंने पाकिस्तान में एक तो अंदरूनी तौर के ऊपर तबाह कर दिया नैरेटिव, इंटरनेशनल आइसोलेशन में लेके जाना चाह रहे हैं, इनको कुछ पता, पूरी PTI की जो सी मुकम्मल है ना इन्होंने मिलकर चार किताबें नहीं पढ़ी हुई, ये क्या कर रहे हैं, इनका इनका जो नैरेटिव क्या है। पर आप देखें ईरान क्या कर रहा है, पूरी दुनिया आइसोलेशन खत्म कर रही है, हम आइसोलेशन की तरफ जा रहे हैं। आपने हमें ये नहीं बताया कि DI खान जेल ब्रेक हुई थी, आपने 14 दिन में रिपोर्ट देनी थी, वो कहाँ है रिपोर्ट? आप हमें ये बताएं कि हकानी जो वहां पर उस ड्रोन हमले में मरे हैं वो आपकी इजाजत से हंगू में करके आ रहे थे, कंधार का चीफ है वहां आपका दूसरा जो उनका कमांडर है वो, ये लोग हजरात हमारे हंगू में करके आ रहे हैं। ड्रोन हमले बुरी बात है उसमें तो कोई शक नहीं है, हम सब कहेंगे बुरा हमला। आपके इस्लामाबाद में सराज कानी वो क्या कर रहे हैं? बिल्कुल बताए ना जी, हमें बताएं कि आखिर ये लोग पाकिस्तान में करके आ रहे हैं, हमें ड्रोन हमलों के ऊपर मर रहे हैं कि ये ड्रोन हमले बड़ी गलत बात है। अब ये लोग है बैठे हुए हैं पूरी दुनिया में, यहाँ से टेररिज्म जो है वो फैलाया जा रहा है, आप कह रहे हैं हम भी कुछ ना करें इसके ऊपर, वो भी कुछ ना करें, PTI को आप क्यों क्रिटिसाइज कर रहे हैं? PTI को क्यों टारगेट कर रहे हैं इसके ऊपर? PTI का ये इश्यू है ना, PTI की सबसे, इसको PTI नहीं आ लाई, सबसे बड़ा नैरेटिव इस वक्त खराब जो है वो तो PTI कर रही है ना, माजरत के साथ। अब जो शीरी बीबी जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है या जो इनके कारकुन वहां पे नेटो के बेचारे ट्रक ड्राइवरों को उतार उतार के मार रहे हैं, ये मुहज्जब दुनिया में। शाह फरमान साहब, नदीम भाई ये जो कह रहे हैं ना नेटो बेचारे और ये जो किराए के स्पीकर है इनको, ट्रक ड्राइवर अगर ये बोल चुके हैं तो फिर मुझे जरा फिर मौका दे के मैं बोलूं कि इन्होंने जो कहा है ये अजीब सा लगता है। देखिए यूनाइटेड नेशन ने कहा है कि सॉवरेंटी की वायलेशन है, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा है कि इसके अंदर ये वार क्राइम है, ह्यूमन राइट वॉच ये कहते हैं कि इसमें इनोसेंट बच्चे और खवातीन मर रहे हैं। ये क्या अमेरिका के किराएदार यहां पर बैठे हुए कोई क्या इनको तकलीफ है? PTI ने सिर्फ ये कहा है कि जी ये हमला CIA ने कराया है, ये हमारे ऊपर हमला हुआ है और इन्होंने कराया है। अच्छा UN कहती आप ठीक कह रहे हैं, एमनेस्टी इंटरनेशनल कहती आप ठीक कह रहे हैं, ह्यूमन राइट वॉच कहते आप ठीक कह रहे हैं, और यहां ये किराए के स्पीकर आपके पास बैठे हुए हैं, मुझे इनकी समझ नहीं आती। देखिए
ये जो फरमान कहते साहब, हैं लेकिन एक कि सवाल का किस, जवाब हमें देना पड़ेगा, वो चाहे पीटीआई दे या स्टेट ऑफ पाकिस्तान दे, हम अच्छा क्वेश्चन इसने, करने में अच्छा एक हक्कदान और हैं। बात ड्रोन नहीं भाई, हमला पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी है, कोई इसमें शक व शुबे की गुंजाइश ही नहीं है, लेकिन जब भी डिस्कशन होगी तो हमें ये बताना पड़ेगा कि उस मदरसे में दो हक्कानी कैसे आए थे, उसका भी तो हमें जवाब का बिल्कुल कोई बिल्कुल सवाल बिल्कुल का कोई जवाब मैं मिलना चाहिए आपका ना। नदीम भाई, मैं नदीम भाई आपका शुक्रगुजार हूं अगर आप मुझे इस पे जवाब देने दे आराम से। जी ठीक जी है जी, प्लीज गो अहेड। ये फिर लेख कहते हैं कि ये हिस्ट्री में चले जाते हैं, ये जो 3 मिलियन अफगानी यहां पर मौजूद है, 3 मिलियन, वो जो 6 मिलियन आए थे 80s में, वो भी अमेरिका का तोहफा था, ये जो 3 मिलियन अफगानी है जिनकी ना रिहेबिलिटेशन हुई ना रिकंस्ट्रक्शन हुई, इनको रेफ्यूजी स्टेटस मिली हुई है, इनके पास यूएन के कार्ड्स भी हैं, हमारे पास ये इख्तियार नहीं, ये भी फेडरल गवर्नमेंट का फैसला है या शायद उनका भी ना हो कि इनको कैसे यहां से, हम तो बार बार ये कह रहे हैं हमारा लाइन एंड ऑर्डर सिचुएशन खैबर पख्तूनख्वा का, हमारी इकोनॉमी एनवायरमेंट, हम चीख रहे हैं सालों से, कोई हमने इनको बुलाया है, हमने इनको इधर बिठाया है, क्या वो खैबर कौन पख्तूनख्वा है हुकूमत ये चाहती कब? है कि ये जो अफगान मुहाजरीन हैं इनको इनके वतन वापस भेजा जाए, क्योंकि इनके ही कवर में ये जो ओसामा बिन लादन वाला ऑपरेशन था उसके अंदर भी CIA ने जो ऑपरेट किया अफगान एजेंट्स के जरिए, तो उसकी जो रिपोर्ट्स पब्लिश हुई अमरीकी मीडिया ने छापी, तो उन्होंने कहा कि अफगान मुहाजरीन के कवर के अंदर यहाँ लोग मौजूद थे और वो काफ़ी अर्सा जासूसी करते रहे। तो ये रियलिटी है हमारी, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है नहीं जो नहीं आप नए ये कह तो रहे हैं, ये तो ये तो लेकिन क्या आप नदीम बाकायदा भाई ऑफिशियली मुतालबा कर रहे हैं KPK हुकूमत के इनको ये देखे अफगान देखे मुहाजरीन को वापस भेजा जाए? देखो देखे देखे मैं हम किस कब से ये जब से 88 में क्या आप 1988 में मुहाजिरीन की जब वापसी हुआ का एक बात मुतालबा को कर रहे हैं या नहीं कर रहे? मैं यही नदीम भाई आप मेरी बात तो सुने ना, कब से कर रहे हैं ये मैं आपको बता रहा हूं। 88 में जनीवा एक कार्ड होता है, 89 में USSR की आर्मी विद्रॉल कंप्लीट हो जाती है, 90 में हमारे ऊपर प्रेसलर अमेंडमेंट आ जाता है और यहाँ 5-6 मिलियन माजरीन मौजूद हैं जिनके लिए अमेरिका ने ह्यूमनिटेरियन एड भी बंद कर दी। उस वक्त से हम तो चीख रहे शायद हैं ये हिस्ट्री कि मालूम यार है हमें कि यार सबको, ये सिर्फ ये बता दीजिए कि आप मुतालबा नहीं ऑनेयर ही कर नहीं दीजिए। मलिक देखो ना, ये जो आपके सामने बैठे हैं ये बड़े जो चीख रहे हैं इंटेलेक्चुअल बैठे हो आपके, पहले पता तो करें कि इनके यूएन कार्ड किसने दिए हैं, ये किस जंग में, शायद ये उस वक्त कोई वो उनको पता भी नहीं मैं है मौलाना कि ताहिर हुआ रशीद क्या साहब की है। तरफ लाहौर जाऊंगा, लेकिन मुझे आप ये देखे बता दीजिए आप देखे मुतालबा कर रहे हैं कि अफगान देखे महाजरीन को वापस भेजा जाए या नहीं कर रहे? नदीम भाई 3 मिलियन मुश्किल ना थ्री सवाल पूछ रहे। मिलियन मिलियन अफगान ऐसे हैं जिनके अभी घर भी नहीं अफगानिस्तान के अंदर, और उसके घर कब शाह तबाह फरमान हुए साहब आप थे मुतालबा नहीं कर रहे जब इनकी वापसी का? हम 90 से ये कह रहे हैं कि अफगानिस्तान के अंदर 90 में रिहेबिलिटेशन आपकी हो हुकूमत नहीं और थी, ये अब आपकी अपने हुकूमत घरों है को सर। जाए। चलिए मैं ताहिर रशीद साहब आपकी जी तरफ आ रहा हूं। जी ताहिर रशीद साहब जी जी जी, मौलाना साहब आप फरमाइएगा कि ये CIA चीफ का नाम हमने डाल दिया, उधर UN में भी हमने मसला अच्छे तगड़े तरीके से उठाया हुआ है, PTI एहतजाज भी कर रही है रोड्स के ऊपर, उन्होंने नेटो सप्लाई बंद की हुई है, हुकूमत के ऊपर दो अमली का भी इल्ज़ाम है कि यहाँ कुछ कहती है अमेरिका के साथ कुछ और डील करती है, इससे बाहर कैसे निकले? देखिए, इससे बाहर तो तब भी निकल सकते हैं कि हम मुनाफ़क़त छोड़ दें और अपने मुल्क का सोचें। एक बात मैं वाजे करना चाहता हूं कि ये नसीरुद्दीन हक्कानी तो भाई पूरी दुनिया में घूमते थे, अरब ममालिक में जाते थे, यहाँ रहते थे, उनको UNO ने कार्ड दिया हुआ था। पहला सवाल तो ये है कि अगर वो वांटेड थे तो UNO ने उनको सफरी सहूलतें क्यों दी थी? क्या यहाँ पर EU के और बाकी यूरोपीय यूनियन के और बाकी ममालिक के सफारतकार नसीरुद्दीन हक्कानी से नहीं मिलते थे? मेरे भाई फवाद चौधरी साहब जरूर उन लोगों पे तबसरा करें जो जो लोग पाकिस्तान की रियासत की मर्जी के खिलाफ यहाँ रह रहे हो। लेकिन जिन लोगों को UNO कार्ड जारी करता है, रेजिडेंस परमिट जारी करता है, वो पूरी दुनिया में सफर करते हैं, तो ताहिर वो रशीद अगर साहब, जिन इस्लामाबाद दो के लोगों के अंदर ऊपर हंगू में अटैक हुआ, हमीदुल्ला हकानी और जी दूसरे साहब जो हैं, मेरा नहीं ख्याल है कि उनके पास ऐसा कोई स्टेटस था या उनके पास यूएन कार्ड्स थे। मुझे मैं नसीरुद्दीन हक्कानी की बात कर रहा हूं, लेकिन आप ये देखें ना मलिक साहब, दुरुस्त है अभी आपकी तक बात, हमें लेकिन यहाँ हमारे दोनों चीजें मौजूद है ना। हमें हमें आखिरकार अशरफी साहब, वजारत नसीरुद्दीन दा हक्कानी साहब की बात ही नहीं हो रही थी, मैं वो आपने हंगू में जिक्र जो जिक्र हुई है आया था उसकी नहीं बात हो बीच रही है। में। एक मिनट, तो दूसरी मेरी गुजारिश है मैं कि हमें तो उसका भी नहीं बताया गया, रगड़ा फुआ साहब को जवाब हमें नहीं मैंने तो किया था, वो मेरा नदीम जवाब मलिक ही आई साहब कि हमें तुम तो जवाब दे दे जी जी दोनों। जी
हमें तो भाई मेरे वजीर दाखला ने यह भी नहीं बताया कि इस्लामाबाद में इतना बड़ा कत्ल हुआ, कैसे कत्ल हो गया। हमने 3 दिन बाद एक बड़ी मजहब का खेज खबर देखी कि उसकी डेड बॉडी कैसे वजीरिस्तान पहुंच गई। और भाई तुम ये बताओ यहाँ कत्ल कैसे हो गया, किसने उसको कत्ल किया, कौन है जो ये काम कर रहा है, ये इसका कोई जवाब नहीं है। इसी तरह ये नेटो सप्लाई का मसला है, सरहद खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो है एक तरफ वो कहती है हम इसको रोकेंगे, पाबंदी लगाए, वफाकी हुकूमत पाबंदी लगाने नहीं जा रही। इस वक्त मैं समझता हूँ कौमी यकजहती की जरूरत है। अगर आपने कोई एक और एपीसी करनी है तो आप एक और एपीसी बुला लीजिए। क्या करें ताहिर रशीद सर, कौमी यकजहती से पाबंदी लगा के बंद कर दें या खोल दें, क्या करें? देखिए कौमी यकजहती से आप वो करें जो आपके कौम के और मुल्क के मफाद में हो। अगर आपके मुल्क के मफाद में है इसको बंद करना है तो बंद कीजिए। अगर आपके मुल्क के मफाद में है, मैं तो ये समझता हूं कि हमें अपने घर को भी ठीक करना है और बाहर वालों को भी कहना है कि मेहरबानी करें हमें मौका दें। ठीक है उनके होंगे आपके बारे में इश्कालात, लेकिन आप फिर सप्लाई खोलें या ना खोलें? देखिए मैं तो कहता हूं आप उस वक्त तक सप्लाई के मामले को जो है वो रोकी रखिए जब तक आप अपना कोई मामला तय नहीं करते। सप्लाई के मामले में तो आप खुद तकसीम है। इस बार तो दिफाए पाकिस्तान कौंसिल भी नहीं बोली है सप्लाई रोकने के मामले में। भाई आप कुछ कहना चाहते हैं? आप जवाब दे लूं क्योंकि काफी मुझे ब्रेक पे जाना, कह दीजिए जल्दी से। पहली बात तो उन्होंने जो तरीके तालिबान के वजीर इत्तलात हैं उन्होंने फरमाया कि हम लोग अमेरिका की जुबान बोल रहे हैं। पहले तो मैं इनको याद करा दूं कि 77 से लेके 93 तक 20 अरब डॉलर जो आया था अमेरिका की तरफ से वो हमने तो नहीं लिया था, वो तो जनाब के जो पार्टनर्स हैं और जनाब खुद जिस जमात की तर्जमानी करते हैं जमात इस्लामी, वो लोग वहाँ पे इलेक्शन लड़ रहे थे और अमरीका के किराएदार हम हो गए आज। ये बुनियादी तौर के ऊपर जो नैरेटिव है इनका, हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान की हम क्या बात करें, आप इंटरनेशनल आइसोलेशन बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। ईरान दुनिया में सऊदी अरब के बाद दूसरा सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशन है, उसको अपनी पॉलिसी रिवर्ट करनी पड़ी, उसको वापस आना पड़ा। यहां पर बच्चे हैं हमारे जिनके पास डिग्रियां हैं, वो नौकरियों की तलाश में है। आखिर आपके 2-2.5 करोड़ इस वक्त स्कूल जा रहे हैं, कल आप उनको नौकरियां कहां से देंगे अगर आप इंटरनेशनल आइसोलेशन में चले जाएंगे। जो शाह फरमान साहब और जो तरीके तालिबान के बाकी लोग हैं जो ये नैरेटिव दे रहे हैं वो तबाहकुन इसलिए है कि दुनिया उसको एक्सेप्ट, अमेरिका को आप छोड़ दें। मैं इनसे ये कहता हूं टीआई की इस पॉलिसी के ऊपर चाइना की हमायत ले आए, आपको 2 इस्लामी मुल्क अपने साथ खड़े दिखा। ब्रेक ले लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो तसद्दुक हुसैन जिलानी जब चीफ जस्टिस बनेंगे तो क्या सुप्रीम कोर्ट बदलेगी, ये एक ब्रेक लेनी है, इसके बाद इस पर बात करेंगे। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। जनरल दाहिल की तैनाती को तो हमने डिस्कस कर लिया। तसद्दुक हुसैन जिलानी 12 दिसंबर से पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन जाएंगे। इफ्तिखार चौधरी साहब जिनको पूरी कौम ने कंधों पर सवार करके बहाल करवाया था, जनरल परवेज मुशर्रफ के खिलाफ जो एक ना थी उस ना ने उनको कौमी हीरो का दर्जा दे दिया। लेकिन उसके बाद जो हमने एक एक्टिविज़म देखा, जुडिशल एक्टिविज़म, उसके बाद जुडिशरी दोनों रूप में देखी गई। एक तरफ तो वो था जहाँ मिसिंग पर्सन के ऊपर बड़ी तगड़ी डाडी पोजीशन ले रही थी, दूसरी तरफ हमने ये भी देखा कि एग्जीक्यूटिव डोमेन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ गई कि अगर चीनी की कीमत मुकर्रर करनी है या इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस या लोड शेडिंग कहाँ होनी है कहाँ नहीं होनी, जिनमें बहुत से लोगों का और एक्सपर्ट्स का ख्याल था कि ये सुप्रीम कोर्ट की डोमेन नहीं है। फिर जो सुओ मोटो नोटिसेस थे उसने एक तरफ बहुत से लोगों को रिलीफ भी दिया, बहुत सारे ऐसे करप्शन के केसेस थे जिसमें सुप्रीम कोर्ट रुकावट भी बनी, वहीं बहुत सारे एग्जीक्यूटिव डोमेन के ऐसे फैसले थे जहाँ सुप्रीम कोर्ट की इंटरवेंशन ने मसाइल पैदा किए। बाज़ुकात ये लतीफ़े के तौर पर कहा जाता था कि पुलिस अफसर इसलिए एक्ट नहीं करता कि उसको डर लगता है कि अगले दिन सुप्रीम कोर्ट तलब ना कर ले। तो नए तकर्री के बाद तसद्दुक हुसैन जिलानी के चीफ बनने के बाद क्या सुप्रीम कोर्ट वो वाली 2007 से पहले वाली हो जाएगी या कंटिन्यूएशन होगी या एक नई सुप्रीम कोर्ट होगी, ये कुछ आम सवाल आते हैं। आपसे स्टार्ट करते हैं अंसार, अगर आप इजाज़त हैं तो पहले जो फवाद चौधरी साहब ने शरारत की ना अमेरिका को जिस तरह रिप्रेजेंट करते हुए, थोड़ी सी उस पर बात कर लूँ। अमेरिका को रिप्रेजेंट करते हुए वो खुश होंगे इस बात से। देखें मैं ये समझता हूँ कि जिन्होंने हक्कानीज के बारे में कहा ना कि दहशतगर्द मारे गए, हक्कानी जैसे कि सबको पता है कि ट्रैवल वैलिड ट्रैवल डॉक्यूमेंट के तहत पाकिस्तान आते हैं और वो जिहाद कर रहे हैं अपने मुल्क में। अदर देन सिराज, नहीं सिराज का भी हमें नहीं पता। अच्छा, अपने मुल्क में वो जिहाद कर रहे हैं? एक मिनट प्लीज, मुझे अपने मुल्क में जिहाद कर रहे हैं, बात करने पहले करजई हुकूमत को कपल कर दें वो जिहाद है। देखिए मुझे पहले बात कर रहे थे, फिर हमारे मुल्क में क्या वो जिहाद करते हैं? ऑक्यूपेशन फोर्सेस के अगेंस्ट जिहाद कर रहे हैं और मेरी नजर में उससे बेहतरीन जिहाद हो नहीं सकता।
उनको तो आप दहशत गर्द बोल रहे हैं, और जो पूरी दुनिया में टेररिज्म कर रहा है और मुसलमानों के हर मसले में, बेशक वो मसला कश्मीर का हो, बेशक जिहाद के ऊपर, आप मुझे दो इस्लामी मुल्क दिखा दें, मैं कह रहा हूँ आपके इस मौकफ की, मैं कह रहा हूँ देखें टेररिज्म जो है तुर्की की फौज वहां पे खड़ी बैठी हुई है, देखें टेररिज्म इज ऑल अबाउट किलिंग इनोसेंट, देखें टेररिज्म इज ऑल अबाउट किलिंग इनोसेंट पीपल। सबसे ज्यादा इनोसेंट लोग किसने मारे? अमेरिका ने मारे। स्टेट टेररिज्म है कि नहीं? अमेरिका बहुत स्टेट टेररिज्म का मुल्क क्यों नहीं बोलते? बहुत घटिया मुल्क होगा। मैं क्यों नहीं बोलते? और जो कहते हैं ना कि लोग क्यों देखें, यही असल तबाही है। और मुसलमान क्यों वासी साहब ये कह रहे हैं? और मुसलमान क्यों नाराज होते हैं? मुसलमान क्यों गुस्से में अमेरिका के अगेंस्ट? उनको मुकम्मल हिमायत देनी चाहिए कि वो वहां पे लड़े। अगर जब हम ये देंगे तो फिर अफगानिस्तान वाले कहते हैं पाकिस्तान वालों को सपोर्ट करते हैं, वो आपके खिलाफ। आप अपनी बारी में बात कर रहे हैं, किस तरह से उनको रोके? जैसा देखें आप अपनी बारी में बात कर रहे हैं, आप देखें चुन चुन के इंटरनेशनल जो मसाइल है ना, जहां भी क्रिश्चियन का मसला आया, जहाद का सर्टिफिकेट हम नहीं इशू कर सकते। नहीं, मैं जिलानी साहब की नहीं, मैंने कहा मेरी नजर, मैंने कहा मेरी नजर में, मैं आपको बताऊं कि दुनिया भर में दुनिया भर में जहां जहां मुसलमानों को मारा जा रहा है, पिसा जा रहा है, वहां पे अमरीका और यूएन का रोल देख लें, वहां पे यूएन का, और जहां जहां क्रिश्चियन के साथ ज्यादती हुई, आप देखें कि विद इन नो टाइम कैसे कैसे नई नई स्टेट्स बनी, नए नए मुल्क बनाए गए। एक तो पहले ये बात थी, दूसरी बात जहां आपने आर्मी डिस्टिंक्शन जो आप कर रहे हैं ना, इसमें मैं पाकिस्तानी रोल को क्वेश्चन करना चाहूंगा। आप जनरल ज़िया के दौर में, मैं कह रहा हूं हमारी, देखें आप 9/11 के बाद कुछ आपने किरदार अदा किया, आपको अपनी पॉलिसी और करना चाहिए। अगर हम पाकिस्तानियत करके सोचेंगे ना तो हमारा मसला हल नहीं होगा, हमें मुसलमान बन के सोचना पड़ेगा। और यही हमारा सबसे बड़ा मसला है कि हमारे इनकी तरह के लोग हमें रूल करते हैं। आप मुझे बताएं सऊदी अरब आपके साथ है इस मौकफ में? मैं कह रहा हूं कि आपकी तरह के लोग हमें साथ है, हमारा ईरान है आपके साथ, मुसलमानों का भी यही है। इसके ऊपर वो जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो सुनना तो हमें पड़ेगा, क्योंकि मैं बता रहा हूं, मैं यही तो कह रहा हूं, जद्दा ने आपका साथ नहीं दिया, जद्दा ने आपको समझाने के लिए अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल किया। सर आप एक बात समझें, नदीम साहब मुल्कों के सिर्फ एक मिनट पॉइंट, एक मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मुझे आप बताएं ये जो रेजोल्यूशन थी अफगानिस्तान यूएन की 1337 जिसके तहत ये हमला हुआ, मुझे आप बताएं इस पर किस इस्लामी मुल्क के दस्तखत नहीं है? मैं ये बात कर रहा हूं कि इस्लामी ममालिक को जो लोग रूल कर रहे हैं चुन चुन के, देखें मुर्सी को क्यों निकाला गया, इसलिए कि वो इस्लामिक था, डेमोक्रेसी थी, पूरी दुनिया के इस्लामी मुल्क, उसको किसने निकलवाया, उसको किसने निकलवाया, पूरी दुनिया बोली, और जहां पे बादशाह लगाते हैं, जहां डेमोक्रेसी उनकी मर्जी की होती है उस डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं। जिलानी साहब की तरफ पूरी जिलानी साहब की तरफ अब जहां दोनों ने आपस में इत्तेफाक नहीं करा, नहीं इंतहाई बदयानती, मैं कह रहा हूं अमेरिका कर रहा है, कोई डेमोक्रेसी उन्होंने मुसलमानों को तकसीम करना है, उन्होंने मुसलमानों को तकसीम करना है, और हम मुसलमान उन्हीं की, मैं आपको कह रहा हूं अमेरिका को गोली मारे, इस्लामी मुल्क कौन से आपके नैरेटिव में आपके साथ? दूसरी बात वो कहते हैं वो काफर हुक्मरानी कर रहे हैं, देखें कोई माने ना माने, पूरी दुनिया में तमाम इस्लामी ममालिक के ऊपर काफराना निजाम है, पूरी दुनिया के मुसलमान बुरे हैं, टीटीपी अंसार अबासी और पीटीआई, पता नहीं चले चले ये तो इनका हो गया ना जी, चले अच्छा देखें जहां तक आपने बात की, देखें मैं आपको बताऊं ठंडा हो गया दोनों का, देखें देखें मेरा ख्याल है कि चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी जो उन्होंने 4-5 साल जो भी आफ्टर हिज रेस्टोरेशन, पहले भी कुछ अर्सा लेकिन रेस्टोरेशन और ना के बाद जो जो पहले वाले 99 वाले थे इफ्तिखार चौधरी, नहीं नहीं मैं कह रहा हूँ 3 साल देने वाले थे, हम उनको नहीं जानते, हम उनको नहीं जानते, हमने पाकिस्तान उस चीज़ को जानते हैं जो बिल्कुल मार्च 2007 से भाग, लेकिन हम उस चीफ जस्टिस के हक में हैं जिसने ना कही 9 मार्च 2007 को, बिल्कुल उस ना के बाद पाकिस्तान बदल गया, मैं आपको बताऊं, और जो चीज जो पिछले 5 सालों में खास तौर पर आप जो कह रहे हैं ना कि जी एक्टिविज्म हुई, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सारे काम तो हुकूमत के, जब एग्जेक्टिव डाकुओं चोरों के साथ मिल जाए, मैं कह रहा हूं उससे ज्यादा एक्टिविज्म की हमें जरूरत ही नहीं थी जितनी, और जो चीफ जस्टिस ने किया हम भुला नहीं सकते, अगर चीफ जस्टिस ना होते, अगर सुप्रीम कोर्ट ना होती, अगर ये सुप्रीम कोर्ट ना होती है, तो मैं कह रहा हूं इस मुल्क का तो बिल्कुल ही पेड़ा गर्क हो जाना था। अच्छा फवाद की पीछे नहीं टाइम निकल जाएगा, फवाद साहब टाइम निकल जाएगा, वासी साहब का ये मौकफ भी उतना ही गलत है जो उनका पिछला मौकफ था। इफ्तिखार चौधरी साहब ने एक मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया, जो एक्टिविज्म की जिसकी ये बात कर रहे हैं उसके नतीजे में डॉलर के हामी, 60 डोगर कोर्ट के हामी है ये, इनको तो डोगर थी जो मर्जी के फैसले दे, जो उनकी मर्जी के मुताबिक इस मुल्क को चलाए, बात कर लो जो के मर्जी के मुताबिक एनआरओ को टाइम फरिश्ता थे, मैं कह रहा हूँ फरिश्ता नहीं थे। बात यह है उनके बाद जो इफ्तिखार चौधरी साहब की बहाली के बाद डॉलर 60 डॉलर से
$120 के ऊपर जा रहा है, मुल्क की इकॉनमी बर्बाद हो गई। प्राइवेटाइजेशन किसने तबाह की इस मुल्क में? इस मुल्क में एक बुकला गर्दी का जो एक ग्रुप को, हामिद खान टाइप लोगों को, सबको आगे ला के किसने बदमाश बनाया? इस मुल्क में जो अरसलान इफ्तखार, इसरान इफ्तखार और तमाम नहीं, वकला को बदमाश बनाया भाई, क्या बात करें? वकला को पोलिटिकल पार्टी के तौर पर इस्तेमाल किया गया। उसके बाद क्या किया गया कि इस मुल्क में जुडिशियल जस्टिस सिस्टम को तबाह बर्बाद कर दिया उन्होंने। सो मोटो के बाद एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को, जिसको पार्लियामेंट ने हक दिया था रूल करने का, उसको डिस्क्वालीफाई, पीपल्स पार्टी को अंसार अबासी साहब ने और इफ्तिखार चौधरी साहब ने मिलकर एक नेशनल पार्टी को इन्होंने रूइन किया। बिल्कुल रोजाना खबरें लगती थी अंसार अबासी साहब की, उस पे सो मोटो नोटिस होता था, एक केस भी बरामद नहीं हुआ। आपकी अभी कोशिश के बाद नहीं शाह फरमान साहब आपका क्या रिएक्शन है? क्या तसद्दुक हुसैन जिलानी उसी सुप्रीम कोर्ट को बरकरार रखेंगे जो इफ्तिखार चौधरी 12 दिसंबर को छोड़ेंगे, या नई कोर्ट होगी? देखिए जी, इफ्तिखार चौधरी साहब के रेस्टोरेशन की जो मूवमेंट थी वो एक्चुअली इंडिपेंडेंट जुडिशरी की मूवमेंट थी। जुडिशरी को इंडिपेंडेंट कराना, और मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट इस वक्त इंडिपेंडेंट है, अगर वो अब असर्ट कराएं अपने आप को तो लोगों की यही तवक्कुआत है। मैं अंसार अब्बासी साहब की बात से इतफाक करता हूँ कि अगर जी जुडिशियल एक्टिविज्म की बात हो रही है, लेकिन क्या करें अगर चारों तरफ इतने बड़े बड़े चोर बैठे हों कि कोई सिस्टम चलने को नज़र ही ना आए, यानी गवर्नमेंट आपकी इन आर ओ बैक्ड हो, यानी एक ही चीज़ के उसको अगर आप इलीगल डिक्लेयर करते हो कि जहां पर क्रिमिनल्स को इजाज़त दी गई कि वो इलेक्शन लड़े, अगर आप चोरों को पॉइंट आउट ना करें कि जी ये इन्होंने चोरी की है, ये रेंटल पावर जैसे मंसूबे आपके सामने हैं, जो स्विस बैंक के अंदर जो पैसे थे पता नहीं वो कौन कहा गया किधर चले गए, तो इतने बड़े बड़े चोरों के दरमियान लोगों का इतनी तवक्को इंडिपेंडेंट जुडिशरी से, मकसद यही है कि जुडिशियल एक्टिविज्म तो हो नहीं थी इसलिए कि, लेकिन मुझे उम्मीद है क्या तसद्दुक जिलानी साहब उस चीज़ को बरकरार रखेंगे या कोर्ट बदलेगी, ये सवाल था। सवाल मैं समझता हूँ कि देखो, मैं अगर खुदा ना करे कि फिर से इक्तदार में इतने बड़े चोर आए, लेकिन अगर इस किस्म के चोर मौजूद है, अभी को तो सर्टिफिकेट दे दिया, कहीं भी शाह फरमान साहब ने सर्टिफिकेट दे दिया, अभी भी नहीं कोई भी बड़े मैं समझता हूँ कि अगर जुडिशरी को इतने चोर नजर आए और उनको कोई ऐसा कोई सिस्टम नजर क्वालीफाई कर लिया, जरूर जुडिशियल एक्टिविज्म हो, इससे कोई मतलब नहीं। देखो, सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस की तैनाती के ऊपर एक जजमेंट मौजूद है जिसमें सीनियर मोस्ट को ही चीफ जस्टिस लगाना था, इसलिए यहाँ नवाज शरीफ साहब के पास चॉइसेस तरमीम हो गई है। 18वीं तरमीम में अब क्या इख्तियार है? अब है कि सीनियर मोस्ट जज जो है वो चीफ जस्टिस, तो सीनियर मोस्ट है ना, ये मैं कह रहा हूँ जजमेंट नहीं, जजमेंट की रोशनी में आईनी तरमीम हुई, बुनियाद वो जजमेंट थी। तो नवाज शरीफ साहब के पास चॉइस यहाँ पे मेरे ख्याल में थी नहीं, वो सीनियर मोस्ट को ही लगाना था, उन्होंने लगा दिया। लेकिन क्या कोर्ट जो है वो उतना ही असर्टिव रहेगी? मिसिंग पर्सन का केस है, फिर एग्जीक्यूटिव डोमेन की जो चीजें हैं जहाँ सुप्रीम कोर्ट आ जाती थी, बल्कि बहुत से लोग कहते थे कूद पड़ती थी क्योंकि उसका वो डोमेन नहीं था, यहाँ आपका तबसरा क्या? मैं मलिक साहब, मैं नहीं समझता कि जिस तरह इफ्तिखार चौधरी साहब का दौर गुजरा है और जो कुछ उसमें होता रहा है, अब आगे मजीद इस तरह हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं। चौधरी साहब ने बहुत अच्छे भी फैसले किए होंगे, बड़े अच्छे सो मोटो लिए होंगे, लेकिन बहुत सारे मामलात जो हैं मैं ज़ाती तौर पर भी जानता हूँ, उसमें सवालिया निशान हैं, और बिलखसूस उनके साहबजादे के हवाले से बहुत सारे मामलात में सवालिया निशान हैं। और मेरा नहीं ख्याल है, ये बिल्कुल शाह फरमान साहब की बात सही है कि वो सारी जद्दोजहद आज़ाद अदलिया के लिए थी, किसी एक फ़र्द के लिए नहीं थी। लेकिन मेरा ख्याल है, थोड़ा सा मैं जिलानी साहब को जानता भी हूँ, कि जिलानी साहब कोशिश करेंगे कि वो जो एक बिल्कुल ऐसा लगता था हर सुबह रेड टिकर के लिए एक राकेट छोड़ा जाता था, मेरा ख्याल है वो अब कम होगा। रेड टिकर हमें टिकर के ऊपर तो वो एक नेगेटिव इमेज डेवलप हुआ कि वो टिकर चलता है जब कोर्ट बैठती है, तो ये सारा मीडिया आजकल सुप्रीम कोर्ट के बाहर इसलिए रहता है, और लोगों ने ये भी कहा कि बात किया कि वो टिकर चलेगा तो बात आगे चलेगी। लेकिन मैं थोड़ा सा इससे आगे आपको मिसिंग पर्सन के ऊपर
जितना जुडिशरी का, दो पाकिस्तान में नॉन चीज़ें थी जी ऑन एयर जब सारी बातें हो रही हैं तो बोलना चाहिए। एक कहा जाता था मुल्ला मिलिट्री अलायंस पाकिस्तान में, वो आजकल वो भी टूट गया है वो जमात इस्लामी की स्टेटमेंट मुनव्वर हसन के बयान के बाद। और दूसरा ये कहा जाता था कि जुडिशरी का काम यही है कि बेल आउट करना मिलिट्री टेक ओवर्स को, उसी जुडिशरी ने मिसिंग पर्सन के ऊपर बड़ी तगड़ी पोजीशन लिया आई एस आई देखिए। मैं मलिक साहब चूंकि खुद पंजाब में एडवाइजर रहा हूँ, महकमा दाखिला का मुझे इलम है, मैं आपको इस बात के ऊपर 100% गारंटी कर सकता हूँ कि अगर हमारी अदलिया जो है इन दहशत गर्दों के खिलाफ जिनका ताल्लुक खा किसी भी ग्रुप से हो, इनके सामने कानून के मुताबिक हमारी अदलिया खड़ी होनी शुरू हो जाए, ये मिसिंग पर्सन वाला आपका मामला खत्म हो जाएगा। मसला ये है कि जब वो जिस आदमी ने फवाद साहब पहले देखिए, बात ये है नदीम साहब जो आपने बात की है, हमने सब्सटेंटिव टर्म्स में इस दौर में क्या हुआ, सब्सटेंटिव टर्म्स में ये हुआ है कि हमारी जो लोअर कोर्ट थी वो लोअर जो स्टैंडर्ड्स पे थी उनसे भी नीचे गिर गई। सेशन अब झगड़ा हुआ, ये क्या झगड़ा हुआ, झगड़ा ये हुआ है कि वकील कह रहे हैं कि हमारी जो तमाम शहरों में आप हाईकोर्ट्स बना दें, उसकी वजह क्या है कि जो सेशन जजेस हैं, जो सिविल जजेस हैं, उनको आपने तबाह बर्बाद करके रख दिया है। वहां पे इंसाफ मिल कोई कोई तो 172 टॉप ट्रायल जो थे टेररिज्म के, जिसमें ये श्रीलंकन टीम का बंदा यहां से बेल आउट हुआ, वहां जाकर ड्रोन में मर गया। इस तरह से जो तमाम जो बड़े केसेस हैं, मुशरफ साहब के ऊपर हमले का, शौकत अजीज साहब के ऊपर हमले के मुजरम, कामरा के ऊपर, ये सर्जन जनरल के ऊपर, आईएसआई हेडक्वार्टर्स के ऊपर, तमाम जो हमारे थे वो जो है वो लोग वहां पर बरी हुए। और नवाज शरीफ साहब ने बड़ा अच्छा कल परसों पर यह स्टेटमेंट दिया जो उनको सपोर्ट भी करनी चाहिए अच्छी बात। क्या डर के बरी किया या वो आपके पास इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स नहीं थी जिसकी बेसिस पर करने के लिए? डर के जो आम केसेस होते हैं आपके ख्याल में उनमें इन्वेस्टिगेशन बहुत अच्छी हो रही होती है, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होती आम केसेस में, थर्ड क्लास इन्वेस्टिगेशन है हमारी, उसमें जजेस सजा देते हैं। मैं तो यही कह रहा हूं आप वो प्रिंसिपल फिर उस पर भी अप्लाई करें ना दूसरों के ऊपर भी। जो आसिफ जरदारी साहब ने शाह फरमान साहब से पूछ लें, सर फिर मैं आपकी तरफ आता हूं। जी शाह साहब देखे देखे इन्वेस्टिगेशन सेशन सही होती तो इतने बड़े बड़े चोर ऐसे दंदन आते फिरते, उसके ऊपर तो हमें भी एतराज है। मैं ये समझता हूँ कि ये और मैं इसको आप अपनी पुलिस से ठीक करवाएं ना जी, सुबह में तो आपने करवानी है ना जी अपनी पुलिस से ठीक करवाएं। देखे मैं बताऊँ, ये फवाद चौधरी साहब जब भी मैं बात करती है बीच में पता नहीं इनको क्या है, बदमिजाज और नदीम बोलते हैं आपको, मेरा वैसे ही आपको जो है वो हो गया, नदीम बोल रहे हैं लॉजिक से जवाब दे, कुछ बुरा भला आपने शाह फरमान साहब कह रहे हैं, फवाद चौधरी साहब को कह सकते हैं, इजाजत है आपको। नहीं ये मेरी बात, मैं अंसार की तरफ आ जाऊं। और जब भी कोई अमेरिका नहीं, इसको इतनी तप चढ़ जाती है कि अगर कोई कहे अमेरिका ने ये जुल्म किया, इसको इतनी तकलीफ हो जाती है। अच्छा और मुशर्रफ अमेरिका के साथ खड़े रहे, ये उधर थे, अब एनआरओ, अब ये एनआरओ की बात, ये बंदा हमारा मर गया है, एक आंसू आपके लिए नहीं बहता, जब आपका कलीग मिनिस्टर वहां पे शहीद हो गया, आप उसके जनाजे पर नहीं गए, आपकी हालत ये है। अच्छा इंसान की तरफ आते हैं, मैं क्या हूं, मैं क्या हूं, सुप्रीम कोर्ट या एक बड़ा अहम काम जो था मेरे ख्याल में जो कर सकते थे इफ्तिखार चौधरी। मैं शाह साहब दोबारा आपकी तरफ आता हूँ, मुझे लगा कि उससे इनकी तवज्जो हट गई, इफ्तिखार चौधरी साहब से माजरत के साथ, उन्होंने बहुत अच्छे से, और मैं ये मिसिंग पर्सन पे खास तौर पे वो जो तगड़ी पोजीशन ली उनको अप्रिशिएट करता हूँ। वो थी लोअर जुडिशरी के अंदर जो करप्शन थी, मुझे लगा कि वो हाई प्रोफाइल केसेस के अंदर इतनी लाइमलाइट में आ गए थे, उस चीज़ ने उनको बहका के या बहा के आगे ले गई, उस असल टारगेट से वो हट गए। देखें काम तो ज़ाहिर है बहुत करने के थे, और मैं भी बिल्कुल एग्री करता हूँ कि लोअर जुडिशरी हमारी हालत बहुत ख़राब है, बहुत बुरी। और लेकिन इसमें आपको पता है कि सिर्फ चीफ जस्टिस बेसिकली तो ये हाई कोर्ट्स का मसला है, लेकिन जब तक गवर्नमेंट्स और कोर्ट्स मिलके नहीं करेंगी हाई कोर्ट्स, आपको पता है कि नहीं काम हो सकता, बिकॉज इसमें फाइनेंसेस इन्वॉल्व हैं, इसमें आपने नए कानून बनाने हैं, इसमें आपने आपने इंफ्रास्ट्रक्चर कायम करना है, इसमें आपने पोजीशंस नई बनानी है। सो हकूमत का भी इंटरेस्ट हो और कोर्ट्स का भी हो तो दोनों मिलके, तो अभी जो नहीं चीज में मुझे बहुत कमजोरी नजर आई, नहीं जजेस की तैनाती में अब इतने पावरफुल हैं चीफ जस्टिस, इतने तगड़ी पोजीशन में चीफ जस्टिसेस भी, और ये हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का चीफ जस्टिस का अपॉइंटेड है, एक एक जज, एक एक जज। इस मुल्क में अगर कुछ खराबी है जुडिशरी में तो जिम्मेदारी देखिए उसके, आप अकेला नहीं कर सकता। देखें वो जो अभी जो जजेस की अपॉइंटमेंट है 18th अमेंडमेंट के तहत एक तरीका कार है, उसमें कोलाज है एक चार पांच, दैट्स ट्रू,
चले नहीं चले गए ना, नो दैट कि इफ्तिखार चौधरी इज टू पावरफुल। नहीं देखें, एक इंस्टीट्यूशनल एक्चुअली एक हमारे पास मैकेनिज्म आ गया, चले इफ्तिखार चौधरी साहब चले गए, अब गिलानी अब आ गए, अगर वो अपनी स्ट्रेंथ यूज करते नहीं तरीकाकार के लिए, नहीं तरीकाकार आप इंतजार साहब होता ये है पूरी दुनिया में अपॉइंटमेंट्स एग्जीक्यूटिव करके निकाल वो नहीं सकती, हमारे मुल्क में जजेस ही अपॉइंटेड अथॉरिटी है, जजेस ही निकालने की अथॉरिटी है, सो आपका इनका तरीका अगर हो ना, इनका तरीका हो तो जैसे बीबी ने कहा था मैं जहांगीर बदर को बना दूंगी, मियां साहब किसी और को उठा के, मैं आपको बताऊं पता नहीं ये क्या कुछ करेंगे। सो जो मैकेनिज्म हमारा इवॉल्व हो चुका है मेरा ख्याल है कि वो बहुत अच्छा है। अब चैलेंज का कमीशन बहुत अच्छा है, मेरा ख्याल है कि जो आपने एक इंडिकेशन दी ना कि जो चौधरी साहब के जमाने में जो बहुत जबरदस्त बात हुई रेस्टोरेशन के बाद, जिसपे हमें प्राइड लेना चाहिए, फैसले से आपको इख्तलाफ भी हो सकता है, बहुत से फैसलों में झोल भी हो सकता है, लेकिन जो नेक्सस टूटे हैं ना, पहले हमेशा अदलिया का नेक्सस गवर्नमेंट्स के साथ भी होता था और एस्टैब्लिशमेंट के साथ, कोई नेक्सस, तमाम नेक्सस इन्होंने खत्म कर दिया, इनको जो बड़ी हैरानी था यार छोड़े अंसारबाजी साहब, कोई नेक्सस नवाज शरीफ, कोई नेक्सस नहीं था, किसके कहने के ऊपर पार्टी बना, कोई नेक्सस नहीं था नवाज शरीफ, कोई नेक्सस कहने पे पार्टी ड्रामे, लेकिन आप समझते हैं कि इसमें नवाज शरीफ साहब जुडिशरी के कहने के ऊपर नहीं, देखें आप ये फौज के कहने पे नेक्सस देखें नेक्सस किस किस के दरमियान, देखिए असल बात जो शाह फरमान साहब ने की थी ना, किन के कहने पे, एक मिनट पूछ लूं किन के कहने पे, 100% चीफ जस्टिस साहब एतजाज अहसन साहब ने मुझे खुद बताया कि चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि नवाज शरीफ इसमें पार्टी बनेंगे, फिर वो नवाज शरीफ साहब उसमें पार्टी बन गए। अब देखें कितनी, अब कह रहे हैं नवाज शरीफ ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं, कोट कर रहे हैं एतजाज अहसन साहब, देखें देखें अब जाहिर है इसके गवाह ये जवाब दें एतजाज या वो, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, जो शाह फरमान साहब ने कहा ना हमारा और ये इन्होंने जो टेररिस्ट की बात की, इस मुल्क में सबसे बड़ा मसला इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन का है, अगर हमारे यहाँ इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन अच्छी होती तो टेररिस्ट को छोड़ दें जो इतने बड़े बड़े अरबों रुपए खा गए, मुझे प्रोग्राम क्लोज करने के लिए कहा जा रहे हैं, अरबों रुपए खा गए, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया, लेकिन आपने अभी तक ये नहीं बताया क्या तसद्दुक जिलानी के तहत सुप्रीम कोर्ट वैसे ही रहेगा। देखिए मेरा ख्याल है जिलानी साहब, सॉरी जिलानी साहब के जमाने में इंडिपेंडेंट रहेगी लेकिन एक्टिविज्म उस तरह का शायद नहीं होगा। अंसार अब्बासी साहब, फवाद चौधरी साहब, शाह फरमान साहब और हमारे साथ थे मौलाना ताहिर अशरफी साहब, बहुत शुक्रिया आप सबका आज हमारे साथ है, आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए। We'll be right back.